हाय एथलीट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सौरभ कौशिक और यह है टोटल स्पोर्ट्स चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि सभी एथलीट्स में काफ़ी फेमस है, और वो है हाईटीट्यूड ट्रेनिंग। आज हम जानेंगे इसके पीछे का साइंस क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं, और भी बहुत कुछ, जैसे कहाँ कहाँ हो सकता है इंडिया में, ऐसे कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पर आप ये ट्रेनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एक और बात, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि आगे भी ऐसे स्पोर्ट एजुकेशन की वीडियोस आने वाली हैं और मैं चाहता हूं कि वे आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्रेंड्स जानेंगे कि इसके पीछे का साइंस क्या है, ऐसा क्या रीज़न है कि आपकी परफॉर्मेंस इतनी बूस्ट कर देती है ये ट्रेनिंग। तो फ्रेंड्स इसके पीछे तीन प्रिंसिपल्स काम करते हैं। फर्स्ट है प्रेशर, सेकंड है बॉडी सेल्स और थर्ड है हार्मोन। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, जब हम लो एटीट्यूड पर होते हैं, लो हाइट पर होते हैं, वहाँ पर प्रेशर भी नॉर्मल लेवल होता है और ऑक्सीजन की डेंसिटी भी नॉर्मल होती है। लेकिन जब हम हाई एटीट्यूड पर पहुँच जाते हैं, वहाँ पर प्रेशर भी कम होने लगता है और ऑक्सीजन की जो डेंसिटी है, यानी ऑक्सीजन का जो अमाउंट है एयर में, वो भी कम होने वाला लगता है। ऐसे में दोस्तों हमारा जो सेकंड प्रिंसिपल है बॉडी सेंस, वो काम करता है। उस कंडीशन में फ्रेंड्स जो हमारी किडनीज है वो एरिथ्रोपोएटिन नाम का एक हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, और यहीं से हमारा थर्ड प्रिंसिपल स्टार्ट होता है। एरिथ्रोपोएटिन फ्रेंड्स हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको इंक्रीज कर देती है, और रेड ब्लड सेल्स ही वे सेल्स हैं जो ऑक्सीजन कैरी करती है हमारी होल बॉडी में। हैंस दोस्तों जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका अमाउंट बढ़ जाता है, लेकिन इसको थोड़ा बॉडीज को सेंस करने में काफ़ी टाइम लेता है। लगभग 11 टू 20 डेज का टाइम लगता है बॉडी को सेंस करने में लो ऑक्सीजन को, और हैंस इस वजह से आपको ज़्यादा दिनों तक वहाँ पर रहना पड़ता है एटीट्यूड पर अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स जब एरिथ्रोपोएटिन रेड ब्लड सेल्स को इंक्रीज कर देता है, तब हमारी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है लो ऑक्सीजन लेवल्स में भी, जहाँ पर ऑक्सीजन कम है उन एरियाज में भी हमारी बॉडी अच्छे से काम करने लगती है, उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लेती है। और फ्रेंड्स जब हम वापस डाउन लेवल पर आते हैं, लो लेवल पर आते हैं, तब फ्रेंड्स जो अगर हम कंपेयर करें अदर एथलीट्स और वो एथलीट जो हाई एटीट्यूड ट्रेनिंग कर रहा है, तो फ्रेंड्स जो हाई रेड ब्लड सेल्स होंगे और जो ऑक्सीजन कवरिंग कैपेसिटी होगी वो उस एथलीट्स में ज़्यादा होगी जो हाई एटीट्यूड ट्रेनिंग कर चुके हैं, कर आ रहे हैं। हैंस दोस्तों जो भी एथलीट्स इसको वर्कआउट को करते हैं, इस ट्रेनिंग को करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस बूस्ट होती है, उनको ज़्यादा पावर मिलती है, ज़्यादा स्पीड मिलती है, ज़्यादा एंड्योरेंस मिलता है, और भी काफ़ी इनके बेनिफिट्स हैं, और वे अच्छा परफॉर्म करते हैं अपने कॉम्पिटिशन में अदर एथलीट ही करते हैं। और फ्रेंड्स यही कारण है कि ये काफ़ी फेमस है सभी एथलीट्स में। फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी भी काफ़ी बढ़ चुकी है इस क्षेत्र में, इस एरिया में, और ऐसा हो रहा है कि जो बड़े स्पोर्ट्स सेंटर्स हैं उनमें जो एथलीट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको ऐसे ही इन्वायरमेंट में रखा जाता है, उनका सोना भी वहीं पर होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम होता है वहीं पर खाते हैं, लो ऑक्सीजन में वहीं पर ही सोते हैं, वहीं पर ही उनका सब काम होता है। लेकिन जब वे ट्रेनिंग पर जाते हैं, जब वर्कआउट पर जाते हैं, तो हाई ऑक्सीजन में करते हैं। ऐसे दोस्तों उनकी जो परफॉर्मेंस है वो डे बाय डे बढ़ती जाती है, और उनको हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग या हाई एल्टीट्यूड जाने में कोई परेशानी भी नहीं होती है। तो ये भी काफ़ी अच्छा मेथड है हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग का। और दोस्तों हम जानते हैं, अब जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं इंडिया में जहाँ पर आप ये ट्रेनिंग कर सकते हैं, और चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसको भी। और जो दोस्तों प्लेस है जहाँ पर सभी टॉप एथलीट्स तैयारी करते हैं वो है नेताजी सुभाष हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर, जो कि अवेलेबल है हिमाचल में शिमला में। वहाँ पर दोस्तों जो ये फाउंड हुआ था 2010 में, और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर। और दोस्तों सेकंड है ऊटी, जैसे आपने सुना होगा, आपने काफ़ी ऊटी भी एक अच्छा सेंटर है हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग करने के लिए। और दोस्तों लद्दाख स्पोर्ट्स अकेडमी एंड हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। और दोस्तों फोर्थ है शिलारू, जो कि लगभग शिमला के आसपास है। अगर आप फ्रेंड्स आप इस वीडियो को आखिर तक देख रहे हैं, अब तक देख रहे हैं, तो बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं आपका। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपके काम आई हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक बटन दबाकर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट में भी अगर आप कोई क्वारीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो, वो भी ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।